सबको कुछ ना कुछ शौक होता है। किसी को खाने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है। लेकिन केरल में एक ऐसा शख्स है जिसे सांप पालने का शौक है, वो भी जहरीले सांप। सांपों ने इस शख्स को 300 बार डसा है, लेकिन इसके बावजूद इनका शौक कम नहीं हुआ है। केरल के वाला सुरेश स्नैक मास्टर के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। लोग कोबरा और सांप से थराते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। सांप और किंग कोबरा उनके इशारों पर नाचते हैं, वह खिलौनों की तरह उनसे खेलते हैं। जहरीले सांप चाहे कैसे हों और कहीं हों, वे उन्हें आसानी से पकड़ते हैं। 44 साल के सुरेश तिरुवनंतपुरम के छोटे से कस्बे श्रीकार्यम के रहने वाले हैं। सुरेश को इंडियन स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है। 10वीं पास सुरेश पिछले 27 सालों से सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं और राज्य में सांपों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जहां सांप को अचानक देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, वहीं सुरेश ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक जहरीले सांप को बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लिया था। फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि आज तक थमने का नाम नहीं है। वह अपने हुनर से सांपों के हाव भाव समझकर उनको बिना चोट पहुंचाए बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लेते हैं और उनको थोड़े दिन अपने साथ रखकर कुछ समय बाद जंगलों में छोड़ देते हैं। इस काम को सुरेश बिना किसी उपकरण और सेफ्टी गार्ड्स के करते हैं। 30,000 से अधिक सांपों को बचाने वाले सुरेश करीब 300 बार जहरीले सांपों के डंस को झेल चुके हैं। कई बार सांपों का जहर उनके शरीर में इस कदर फैल गया कि उनको 6 बार आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और 3 बार वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। लेकिन हर बार सुरेश मौत को मात देकर जीवन जी रहे हैं।